स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 32। लिखा सर वेब थ्री, वेब थ्री टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल, वेब साइंस है सर वो, प्रवेश बताएंगे बता सर ये क्वेश्चन क्या रहा कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल करती है लोगों को अपना डाटा कंट्रोल करने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कर सकती है। दूसरे में अच्छा। ये कह रहा है कि देर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज मल्टीपल चीजों में कर सकते हैं, तो सोशल नेटवर्क में भी अलाउड है। हाँ तीसरी सही बात। स्टेटमेंट ये कह रही है वेब इट इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन, तो कलेक्टिवनेस की बात कर रहा है सर, मतलब एक प्रैक्टिकल नॉर्मल बात कर रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और कुछ आशिक? सेकेंड वाला मेरे का दे कैन बी ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन से एक यूजर कलेक्टिवली होता है रादर देन कॉपी, तो टू एंड थ्री हाँ बात कॉम्प्लीमेंट तो सर तो कॉम्प्लीमेंट है, गुड। सही। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एज सर, यहाँ पर सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फीड, तो इसमें सर कोई गड़बड़ नहीं लगी स्टेटमेंट में। दूसरे में कह रहा है कि यूजर कैन एक्सेस दियर डाटा थ्रू मोबाइल डिवाइसेस ये तो और सच है। हाँ हॉटमेल याहू मेल आर द फॉर्म, तो सर अगर तीसरी स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे तो ऊपर वाली तो अपने आप सही करेक्ट हो बोले। जाती हाँ सही है, सही लगा है, ऐसी होगा सर। अब है। ठीक है वेरी तीनों सर गुड। फैक्ट है ना, एक ही साथ दिया, एक फैक्ट होता तो सोचते गलत है, लेकिन तीन फैक्ट एक साथ दिए तो तीन स्टेटमेंट ज्यादा चांसेस सही होने का, और वहां से फिर 1 और 2 डिराइव कर लेके सही हो, चेंज तो कर ही सकते हैं, यूजर इंटरफेस चेंज कर सकते हैं सब चीज को। चलिए नेक्स्ट। 34 में सर ये कह रहा है गलत कि है मेरे से। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, तो सर ये कह रहा है न्यूज में शो था, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो स्पेस में भेजी जाएगी एस्टेरॉइड्स को डील करने के लिए और उनको एक्सप्लोर कर देगी स्पेस के अंदर ही। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है एक स्पेसक्राफ्ट है जो दूसरे प्लेनेट के ऊपर उतार देंगे और आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन, तो सेवरल ऑर्बिटल मोशन शो ही करेंगे। तीसरे में कह रहा है कि इट इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ, तो सर इस स्टेटमेंट में अभी थोड़ा सा रुकते हैं। और डी डी कह रहा है स्पेस क्राफ्ट मूव अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेस अ प्रोब ऑन इट सर्फेस, तो सर कॉमेट बहुत गर्म होता है उसके चारों तरफ ऐसे घूमना स्पेस क्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज ये कॉमेट के ऊपर स्पीड जाके स्पेस प्रोब सर, कर देगा, सेम स्पीड। हाँ सर, स्पीड गलत है यहाँ पे, सेम सर स्पीड तो देखिए नहीं हो पहला सकता। वाला में ना हाइपरसोनिक मिसाइल, वो अगर थोड़ा पता रहेगा तो स्पेस नहीं जाते, हाँ उसके लिए गलत हो गया, ऑक्सीजन वाह चाहिए, पहला गलत है, सर। ऑक्सीजन चाहिए उसको तीसरी हाइपरसोनिक स्टेटमेंट मिसाइल यहाँ को। पे देखिए गलत है, ये भी गलत है। सेकंड लेकर बोला कि बाहर हम लोग जाते हैं कि मूवी चल रहा है सर, कि स्पेसक्राफ्ट लैंड करे अनदर प्लैनेट में, अनदर प्लैनेट वहां पर, तो डिफरेंट है सर, वो बॉम्बार्डमेंट से रिलेटेड नहीं। हाँ फिर डी बोल रहे सेम स्पीड, डी भी गलत है, तो सी इसका आंसर। ये आंसर है, करेक्ट सी है, वेरी मिसाइल होती है जो दूसरी ऑर्बिट पे हो सकता गुड। बी भी नहीं हो सकता, नहीं। सेवरल ऑर्बिटल मोशंस कितना। चलो नेक्स्ट क्यूबिट सर, यहाँ से पे तो बता क्वांटम रहे क्यूबिट क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। फिर चलिए यहाँ कम्युनिकेशन पर सर बोल टेक्नोलॉजी, रहे शॉर्ट शॉर्ट रेंज, रेंज, शॉर्ट शॉर्ट रेंज रेंज तो जो शॉर्ट रेंज सारे तीन होती है सर। शॉर्ट रेंज है। कैसे सर? पहला लिखा है क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट, सर्किट क्लोज है, शॉर्ट रेंज। सेकंड लिखा है RFID, RFID 2013 अप्रैल में शॉर्ट गलत हुआ रेंज, था मेरे से, 1 मीटर वाला, तो शॉर्ट ही रेंज है अच्छा वो, सामने साथ है तो शॉर्ट रेंज RFID। फिर थर्ड में लिखा हुआ है वायरलेस लैंड नेटवर्क, हम लोग बोलते हैं ना सर कि गुड। इंट्रा नेट और इंटरनेट, तो इंट्रा नेट है बेसिकली लैंड, तो शॉर्ट रेंज वायरलेस वायरलेस एक कमरे से वाईफाई, दूसरे वाईफाई जाएगा एकदम, वाईफाई हो गया सर, हाँ ये शॉर्ट रेंज हो गया, मैं वही कह रहा हूँ वन टू ना, थ्री दूसरे कमरे से चला जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसे, हाँ तो सर वाईफाई हो गया मेल, बेसिकली, तो डी हाँ इसका आंसर। यहाँ पर सर एक कार्बन नैनो ट्यूब की तरह एक क्वेश्चन है बायोफिल्म के ऊपर, तो सर बायो वर्ड यहाँ पर यूज है, तो बेसिकली मेडिकल इम्प्लांट में इसका यूज हो सकता है ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, कैन तो फॉर्म पॉसिबल है। पॉसिबल, हाँ सेकेंड भी दूसरा कह कैन रहा है कि फॉर्म। सर प्रोसेसिंग सर्फेसिस, हाँ तो इस पर भी हो ही सकता है, जब मेडिकल इम्प्लांट के अंदर ह्यूमन टिश्यूज के अंदर कोई चीज डाल सकते हो तो फूड की सरफेस पे क्यों नहीं डाल सकते। और तीसरा कह रहा है कि इट एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो कैन ऑब्वियसली सर एजिटेबल अगर मतलब इसका बेनिफिट है हो तभी तो सकता है। मतलब टिश्यूज के अंदर डाल रहे हैं ना। हाँ बेसिकली तीसरा अगर आप रॉन्ग बोल रहे हो तो पहला अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला तीसरा जुड़ा हुआ है। सर दूसरा चीज है सर, लिखा हुआ बायोफिल्म, तो कोई बता नहीं रहेगा बायोफिल्म Part 1, Part 2, Part 3। Part 3 तो भाई कोई एंटीबायोटिक रिएक्शन देता नहीं है, Part 1 देता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। कैन एग्जिबिट
दे सकते हैं एक भी कौन अगर को। हाँ तो तीनों सही है सर। सा टेकिंग द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट। हाँ प्रोबायोटिक, हाँ दोनों बायो देखो बैक्टीरिया अगर एंड यीस्ट। सेट का जो पेपर था ना सर, उसमें भी ऐसे प्रोबायोटिक के ऊपर आया था। तो प्रोबायोटिक बेसिकली हमारे गट में होता है और जिससे हम मिल्क जो है उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज मेड अप बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, पॉसिबल है। तीसरी कह रही है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, तो करता है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि दे आर फाउंड बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आर गट, तो ये रिवर्स हो गया सर स्टेटमेंट का। दे आर नेचुरली अकर, नेचुरली आकर, बल्कि आपको जो शैशे खिलाया जाता है ना, दोनों डेरुलेक है, का शैशे, बाहर से ही मिलते हैं और अंदर भी रहते हैं एक्चुअली। दही जो खाते हो प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक तो दही मिलती है आपको, घर वाली दही को बोला जाता है। उसमें बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया नहीं है घर वाली दही में, लेकिन घर वाली दही जो है मतलब वैसे सही है। चलिए नेक्स्ट। अब अब यहाँ यहाँ पर अमेरिका सर से वैक्सीन का सीरम जो है तो इंस्टीट्यूट ऑफ वेक्टर, इंडिया, कोविड शील्ड है, ये डीएनए वैक्सीन, वेक्टर वेक्टर वो वेक्टर एमआरएनए, बेस्ड है, तो एमआरएनए नहीं है। हाँ वो एमआरएनए दो ही है डीएनए। वैक्सीन, एक जॉनसन जॉनसन वाला था और एक और एक दूसरा मॉडर्ना ना, मॉडर्ना हम मॉडर्ना। हाँ मॉडर्ना उसी का है सर, एक और फाइजर, फाइजर स्पुतनिक वी कोवैक्सीन। वैक्सीन इज कंस्ट्रक्टेड ट्रू यूजिंग आंसर, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। वन से आंसर निकल गया जी सर, सर ट्रू आंसर। कोविंट चलिए कोवैक्सीन भी ठीक। सही है, इनएक्टिवेट मतलब कि जो चीजें हैं थोड़ा रिलैक्स होके करोगे तो पीछे का आएगा कुछ ना कुछ। लिखा हुआ है, मेजर चलिए सोलर फ्लेयर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात कर रहा है, और सात बिल्कुल बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अब ये अरे सब वाह, क्वेश्चन हमारे सर मतलब तो बस एलिमिनेट करना है इसमें से। तो हाँ अब बिल्कुल सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर वेव है, उसे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है स्टेटमेंट, बताएं सर सर सेकंड प्रवेश। स्टेटमेंट एलिमिनेट से ही आंसर आ जाएगा। सर सेकंड स्टेटमेंट करिए सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, तो सुनामी जबरदस्त। सुनामी और साइक्लोन ये कभी भी हाँ इक्वेटर पे नहीं आ सकते क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स उससे जो है वो मतलब नहीं नहीं है। है, सुनामी क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कोई वो है वहां होती है बात कि नहीं, नहीं, वो एक तो हो सकती है। नहीं, फिर भी प्रवेश ने फिर भी उसको लॉजिकली भी इलिमिनेट कर दिया कि वैसे भी नहीं हो सकती वहां। ठीक हाँ फिफ्थ है, दो हो गया फिर। और में लिखा है फिर से फॉरेस्ट फायर, आंसर फॉरेस्ट करो। है फायर फिफ्थ फॉरेस्ट में। फायर, ये भी नहीं होगा। नहीं सर, फॉरेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फायर वेव हो है, सकती है लेकिन पूरी प्लेनेट के ऊपर नहीं होगी वो। हाँ पूरे प्लेनेट पे फॉरेस्ट नहीं फायर होगी। तो हो जाएगी, पूरी प्लेनेट की बात कर रहा है, मतलब ऐसी दो और अकेली मच जा मतलब रही। तो हाँ नहीं होगी, दो ऐसा और सर पांच ऐसी ऐसी ऑप्शन दे रहा है कि वो एलिमिनेट कर नहीं है, मतलब कैसे भी होगा है तो ऐसे भाई ये दोनों आप ऑप्शन। आज बोलो, जब बच्चा आता है तो ये वो नहीं, ये जो अभी बड़ा आराम से आपने कह दिया कि यूपीएससी ऑप्शन ऐसे देता है कि एलिमिनेट करना ही है, ये विश्वास जगाने में जिंदगी चली जाती है। ये बड़े आसानी से आपने बोल दिया है। कमाल हो गया। दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट जस्टिस, इतना आसान नहीं है। चलिए तो 2 और 5 हट गया, आ गया आंसर। हाँ सर, उसे 1, 3, 4, 6, 7, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन जो सब है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, शॉर्ट रेडियो ये सारे कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, जीपीएस। देखो, ये ऐसे सारे क्वेश्चन आपकी पेशेंस और हिम्मत के लिए हैं, बस उनमें है कुछ भी नहीं। सिलेक्शन होना, टॉप रैंक आना अलग अलग बात है। पेपर एक ही होगा, सिलेक्शन बहुत तरह के होंगे, तो कौन किसका क्या होगा ये सारी चीजें, ये चीजें डिसाइड करती है। क्लाइमेट एक्शन अब सर ट्रैकर। यहाँ पर सर ये ट्रैकर की बात कर रहे हैं, तो सर अगर डी स्टेटमेंट से चलते हैं, ये बोल रहा है एजेंसी प्रमोटेड एंड फिनांस बाय यूनेप एंड वर्ल्ड बैंक, तो सर ये अगर ट्रैकर है तो ये एजेंसी कैसे हुआ। सी इट इज अ कमेटी अंडर यूएनएफसीसी, तो सर अगर ट्रैकर है तो कमेटी भी नहीं हो सकती। बी विंग ऑफ आईपीसीसी, तो आईपीसीसी सर रिसर्च करता है, ट्रैक कहाँ से करता है। और पहला है डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, तो ट्रैक करने की बात कर रहे हैं, यानी डाटा होगा तभी ट्रैक करेगा और ट्रैक करके भी डाटा ही सर निकालेगा। तो पहला मैं बोलूँ सर, पहला वाला बहुत ज्यादा जेनरिक है तो उसको साइड पे रखते हैं, पहला वाला मतलब बहुत जेनरिक है। सेट बी वाला जो प्रवेश ने बोला कि हाँ आईपीसीसी होता है, रिसर्च करता है, वो उठाता है, वो अपना रिव्यू करता है, अब देता है, तो ट्रैकर नहीं होगा और सर। बी में कंफ्यूज हो सकता सी है, और ए डी, और बी में। हाँ सी और डी में चूज करना है तो यूएनडीपी होता है ना, और वर्ल्ड बैंक, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए, यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन का बात कर रहे हैं सर, क्लाइमेट चेंज और सब, तो बस्ता सर से यूएनएफसीसी से सी हाँ सी आंसर क्या है? तो आंसर सर सी ए है, ए डाटाबेस, ए है हाँ डाटाबेस बोल रहा आंसर। है, दूसरी बोल डाटा रहा है ए सर, ए है सर 200 आंसर। परसेंट डाटाबेस सर आंसर। कौशिक सर ये भी तो देखो ना, ट्रैकर है और कमेटी की बात कर रहा है। ठीक बात।
हाँ सर ए है सर, मैंने 40 का सी और 41 का सी मांगते थे, चेक कर लेते हैं। तो बात सही है, लेकिन ठीक है, दिस इज मतलब अ वेरी स्मार्ट वे टू पुट इट, बट देन आई वुड हैव बीन कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। हाँ, ट्रैकर है तो कमेटी तो नहीं होगी और एजेंसी भी नहीं होगी। सी और डी आई वुड एलिमिनेट, सो कम विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस। यस इट कैन नॉट बी, इट हैज टू, डेटा डेटा होना चाहिए इसमें ना, तभी तो आप ट्रैक करके करोगे। नेक्स्ट, 42 क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम। ओके, से ये एलिमेंट किए थे इसमें, इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है सब इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP 100। अब मुझे नहीं पता EP 100 क्या है, बस ये स्टेटमेंट पढ़े, फिर जाते हैं इसमें थर्ड स्टेटमेंट, उसमें लिखा है EP 100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन। तो 3 और 4 ना कॉम्प्लीमेंट्री लगा, मतलब 3 और 4 साथ में होना चाहिए। उसमें हाँ 3 बोल रहे कंपनीज को बुला बुलाता है आपस में लाते हैं, और 4 बोल रहे सब इंडियन कंपनीज आर पार्ट ऑफ, तो 3 और 4 ठीक इज है, कॉम्प्लीमेंट्री, 3 और 4 आंसर में होना चाहिए। तो बचेगा सिर्फ बी और डी, तो वन सही थ्री बात फोर है। और हाँ 1 2 3 4 5 बचेगा। अब इसमें हाँ तो हाँ अब इसमें अगर जाएंगे इसमें सेकंड में जाएंगे तो लिखा IEA, वो हाँ बनाया है क्लाइमेट ग्रुप के साथ, लॉन्च किया है EP 100। फिर ये आप हो सकता जाएंगे, है। ये नहीं हो सकता, मतलब कोई स्टेट ये इंस्टीट्यूशन नहीं, तो हो सकता है कि यही डेटा हो, अच्छा, तो टू चांसेस है गलत होने ज्यादा चांसेस है। और फिर फिफ्थ में आते हैं हाँ, IEA इज अ सेक्रेटरी टू अंडर टू कोलिशन, तो 2 और 5 में पक्का गलत है सर। हाँ एक तो गलत है। क्योंकि सर दोनों डेट कोई इंस्टीट्यूशन है और दोनों दिया हुआ इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरीट है ऐसे टाइप, और दो 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 में भी दिया हुआ है कि क्लाइमेट ग्रुप इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो 2 और 5 में एक भी गलत होता है, तो डी ऑप्शन गलत है, 1 3 4 गलत है पी इसका। नेक्स्ट, 43 ये यहाँ पे सर किडनी की बात कर रहा है, तो किडनी बेसिकली हमारा जो मतलब जो शरीर का वो मटेरियल होता है सर, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो डी, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो सर किडनी का डायरेक्ट रिलेशन है वी से, तो डी आंसर। यहाँ पर सर बोल रहा है कि WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि 24 आवर मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 M3, एंड एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 M3। तो सर इसका कुछ पता नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। तो सर अब इंक्लीमेंट वेदर का होता है, लेकिन ठंड में ओजोन जो है वो हाईएस्ट लेवल पोल्यूशन होता है इसका। थर्ड, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये करेक्ट है। और फोर्थ बोल रहा है एक्सेस ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। तो 3 4 ये करेक्ट है, और 2 भी सर ये 2 करेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 में बोल रहा है कि मतलब इंक्लीमेंट वेदर, तो इंक्लीमेंट वेदर यानी सर मेरे हिसाब से समर का होता है, लेकिन ओजोन का हाईएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन विंटर में होता है। तो फर्स्ट, 3 एंड 4 दे आर करेक्ट। सर 3 जो है ना PM10 है, ये PM10 नहीं है, ये PM2.5 है, ये करंट अफेयर में आया था कि वो अंदर घुस जाता है लग्स और ब्लड में स्ट्रीम में चल जाता है, PM10 नहीं आता, तो इसलिए मैंने 3 से इसमें 3 नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें 4 ठीक है, 4 चलिए, नहीं होगा इसमें, तो फिर होगा ना, ठीक है। गुच्ची, तो यहाँ पर सर गुच्ची की बात कर रहा है, तो गुच्ची भी सर इसमें एक फंगस होता है। और दूसरा सर कह रहा है कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, तो जेनरिक की बात है। थर्ड में कह रहा है कि इट्स कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो सर अगर दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हिमालयन फॉरेस्ट, तो पूरी हिमालयन बेल्ट में उगना चाहिए, और तीसरी में कह रहा है कि ये कमर्शियली कल्टीवेटेड खाली नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है सर। बोल रहा है तो ना, 1 एंड 3 नहीं आंसर सर मैं बता रहा हूँ इसका बोल रहा है एलिमिनेशन भाई वो, प्रवेश सर। नहीं सम यार। हाँ सर बोलो पहला शिव। वाला सही है, सेकंड वाला लिखा हुआ कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, हो सकता है सम रखते हैं इसको। थर्ड है बोल रहा है इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल, फुट हिल में फॉरेस्ट मतलब कि नीचे, अब वो बोल रहा है हाँ फॉरेस्ट मतलब ऊपर, फुट हिल मतलब नीचे हाँ होता है मतलब बेसिकली,
नॉर्थ हाँ ईस्टर्न तो इंडिया, फिर हाँ तो हिमालयन फुटहिल और फॉरेस्ट एरिया हिमालयन का, मतलब हिमालयन के ऊपर में, मतलब हिमालयन के साथ में, यानी फुटहिल नहीं बात कर, तब हाँ टू एंड थ्री एक दूसरे का ऑपोजिट है सर। तो या तो वन एंड थ्री हाँ होगा या वन वन एंड टू होगा, तो वन एंड थ्री ऑप्शन ही में नहीं, हाँ तो वन एंड हाँ टू है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, यस यस गुड। सर फुटहिल्स पे फॉरेस्ट नहीं होते क्या? होते अरे हैं यार लेकिन देखो हिमालयन फॉरेस्ट नहीं हो रहा ना, हिमालय फुटहिल फॉरेस्ट हो गया ना, हिमालयन फॉरेस्ट एरिया स्पेसिफिक दिया हुआ सुनने है। पर वाला यहाँ पर प्रवेश, अगर नहीं वहां पर एक मिनट प्रवेश, सर हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज ये एक फील करो और एक हिमालयन फुटहिल्स, तो दोनों में फर्क है। शिवालिक्स भी हिमालय है पर क्या वो देवदार है, क्या वो चीर है, क्या वो एल्पाइन है? नहीं है, हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री। तो मैं उसको प्रॉपर देखूंगा, तो मुझे लगा सही लगा ये, तो बात तो आपकी भी ठीक है, आंसर आना चाहिए, लेकिन ठीक है, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट विद व्हाट कौशिक सेड। सब लिखा है पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट, ये नहीं पता है क्या, बस इतना पता है उससे बनता है कुछ। अब इसमें आते हैं, इससे पहले लिखा हुआ है कि फाइबर कैन बी ब्लेंडेड, पहले ट्रू है। अब सब ऐसे ना चारों साथ ही पढ़ते सर। तो फोर्थ में लिखा हुआ है कि आर्टिकल कैन कैन बी इजिली डिस्पोज विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस। अगर 0.1 ग्राम भी अगर निकल रहा है ग्रीन हाउस गैस, 1 मिलीलीटर निकल रहा है, तो गलत है। गैस तो निकलेगा ही, विदाउट ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगा, रेड्यूस कम कम बोलते निकल हैं, कम होता है अलग बात होता है, तो सोचते हैं। तो फोर्थ गलत है चार इसका आंसर। गलत। हाँ अब फोर्थ गलत है, तो इसका 1 एंड 3 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है, तो 3 तो सही है इसमें। अब आते हैं सेकेंड वाला में, लिखा हुआ कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। मतलब एल्कोहलिक बेवरेज जरूरी जो पीने वाला खाली होता है वो अल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है नहीं हार्ड वहां एल्कोहल होगा, सॉफ्ट पियो हो, तो वो वाला में एनी लिखा है, कोई भी एल्कोहल, तो ये गलत है सेकेंड वाला ऑप्शन। तो 1 एंड 3। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेचारा गोल्डन महसीट पढ़ रहे हैं हम लोग, सब कोई फिश है तो ए इसका। ए हाँ ठीक है नेक्स्ट। फिर लिखा हुआ सर यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब इतना पता है सर, चिक पी जो बीन्स होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, बीन्स हो गया, इसकी हिंदी पढ़ के ना मतलब सर आंसर निकल रहा है इस वाले क्वेश्चन की। चना सर थ्री ये देखो थ्री तो होगा। चना, सर चना सर पल्सेस में आता है और लेगुमिनस प्लांट होता है, तो तीन आ गया, तो जो दो स्टेटमेंट है नीचे वाली वो एलिमिनेट हो गई, तो पहली भी हाँ करेक्ट है तीसरी भी करेक्ट है। और सर ये बोल रहा है घास, तो घास और एक में बोल रहा है कि पालक, तो सर पालक, पालक पालक में नहीं, पालक पालक नहीं होती सर, पालक आयरन का सोर्स होती है और इसके अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ये मतलब उस चीज तो में एक बिजली होती चार हो गया ना। है। एक तीन चार बायो रॉक टेक्नोलॉजी से कोरल रीफ से रिलेटेड है करंट अफेयर में था, कैसे अच्छा ठीक मियावाकी है मेथड, ये मियावाकी भी आया से कोरल, ये भी अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट, ये भी करंट अफेयर से। चलिए नेक्स्ट। अभी गवर्नमेंट ये मानसी बोली। मानसी हाँ जी सर, हम्म, ये इसमें सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोल रहा है पूछ आउट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं आएगा सर, तो 1, 3 एंड 4 आर हाँ करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट। रिजर्व्स, हाँ यस, ये फनम सर। इंपॉर्टेंट नहीं करके मतलब गवर्नर जनरल की फनम क्या होगा? पॉइंट्स है सर इसका। कॉइन्स, तो हाउ एनी वे टू डिराइव इट आशिक? सर ऑर्नामेंट नहीं होगा सर, इतना वेपन्स बस सर, क्लोथिंग और ए और बी में डाउट था, तो यूपीएससी हमेशा ऐसा पूछेगा न्यूमिस्मैटिक से रिलेटेड, या फिर ऐसा तो आर्किटेक्चर हो गया, न्यूमिस्मैटिक हो गया, स्कल्पचर हो गया, तो बी मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर मानना ही है तो। चलिए अदर पार्टी, इसमें खाली राजबिहारी वोट है सर, परेंद्र कुमार घोष नहीं होंगे। हाँ ये तो नहीं हो सकता सर। जोगेश चंद्र चटर्जी भी नहीं होंगे, ये भी गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं। इसका आंसर बी, बिकॉज 3 ओनली है, मैंने 2 ओनली मार्क किया था, जोगेश चंद्र चैटर्जी। 3 सर मुझे कौन लग सर वो बाद में आए थे, वो HRS उसमें थे, मतलब गदर पार्टी में नहीं थे, मुझे मतलब ट्रस्ट पर। गदर पार्टी जुड़े हुए थे भाई शुरू से, लॉर्ड हार्डिंग का ऊपर बम फेंकने के टाइम से जुड़े हुए हैं। और बोलो
तो मैंने इसमें 1 और 3 मार्क किया था। वन कैसे कर दो यार? वन वन अनुशीलन से मुक्ति। रेवोल्यूशनरी अरे अरविंदो घोष का भाई है भाई, ये अरविंदो घोष का भाई, बंगाल युगांतर, और वहां अनुशीलन समिति। एक्टिविटी से रिलेटेड से तो मेरे को इतना शोर नहीं था, तो इसलिए मैंने 1 और 3। नहीं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अलग अलग हुई है, मैंने तुम्हें कहा था हाँ वो उसको तो देखो। अलग है, इसलिए हेलो क्रिप्स मिशन बताओ। क्रिप्स मिशन में तो पहला बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द, ये गलत है। सेकंड हाँ बोल रहा है एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट, ये करेक्ट है सर, ओनली 2 इज करेक्ट। सही बात है। चलो नेक्स्ट। सर ये मैं बताता हूँ सर, हाँ शतका जो होता है ना सर, शतका, शतका वर्ड क्या? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। शतका अच्छा, थर्ड में अवदान शतका, अवदान शतक है भाई, ये शतका नहीं है, अवदान शतक, सेंचुरी, 100, शतक। जी तो सर हाँ ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो थर्ड मैंने एलिमिनेट किया तो मेरा आंसर आ गया 2 और 4। 2 और 4। जी सर, सर 4 क्या है? महापुराण है तो। हाँ 2 और 4 उसका आंसर महापुराण, सर महापुराण जो है जैन। हमारा जैनिज्म, सर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जैनियों ने। और दूसरे अच्छा, में सर महा और परिशिष्ट परवान, मतलब परवान तो सर अरे ऐसा नहीं कि इस पर्व, तरीके का डिफिनेशन है। परिशिष्ट पर्व है भाई ये, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में देख ले, परिशिष्ट पर्व। परवान है पर्वन है सर, सर, नया अंग्रेजी बना दिया इन्होंने, असल में पर्व है ये, परिशिष्ट पर्व। संस्कृत में भी ले जाओगे तो ना नहीं आएगा। तो ये कैसे अभी हटाया यार मेरे को भाई? कुछ पता था, मैंने सर आपको सोच के आंसर टिक दिया अच्छा एक और, ये ये तो कमाल के पंडे भाई तू ही है भाई, तूने कहा। यही 4th में जो आपने बोला महापुराण है, तो ये मेरे को लगा नहीं होगा तो वो एलिमिनेट कर दिया था मैंने। कोई बात नहीं, ये बताओ, आर्यदेव, सर दिगनाग, मैं बताऊं सर, या यहाँ सर ये नहीं किया सर मैंने ये ये देखो, अटेम्प्ट। सर मैं बताता हूँ सर, ये बोल रहा है दीघनाग, तो दिगंबर और हो सकता था, लेकिन वो जैन ही होता, तो सर बुद्धिस्ट दीघनागा। भाई, बुद्धिस्ट है, और सर बुद्धिस्ट। ठीक है, दीघनाग हाँ सर मेरे मैं हिसाब खुद से। बोल रहा हूँ सुनो तो, दीघनागा तो सर हाँ बुद्धिस्ट स्कॉलर नाथ मुनि, तो नाथपंथी सर हमारे यहाँ रहेंगे हिंदुइज्म में, तो वैष्णव स्कॉलर तो 2 करेक्ट। आर्यदेव जैन स्कॉलर, तो सर आर्यदेव का कभी सुना नहीं तो ओनली 2 क्लियर था। तो क्या आंसर है? Only ओनली 2 करेक्ट। अच्छा सही है भाई, तू महान, तो तेरे लॉजिक गजब है। चलो नेक्स्ट। तो इसमें लिखा थोड़ा हुआ है सा सर कह फर्स्ट रहा है कि मंगोल फर्स्ट। इन्वेजन, ये सर जलाउद्दीन खलजी के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था इल्तुतमिश हाँ से, तो सही बात है, टाइम 1 नहीं होगा इसका आंसर। तो अल्दो तो मैं पूछ रहा था वो। अब सेकंड में लिखा हुआ है अलाउद्दीन खलजी के समय में मंगोल आया था और दिल्ली में बिसीज कर ले सिटी। सही है हाँ, सर, सीरीज खोल, सीरीज हाँ खोल। फेमस। ओके। मिनट्स में ज्वाइन बैक कर रही हूँ, तो सेकंड इज ओनली। और तीसरा तो गलत, हाँ तीसरा तीसरा सही गलत है। है, तीसरा जरूरत नहीं था इसमें, मतलब आंसर निकल गया। ठीक है नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। ये छोड़ दिया था सर यहाँ पर बोल रहा है कुलाधरन, सही कुलाधरण, कुलाधरण मैंने सुना कहीं, तो सही है सही है सर, है सही सही है था। है सही है, क्योंकि सर देखो ना मतलब ये बोल रहा है अरब मर्चेंट, तो अरब मर्चेंट सर कितने हुए, लेकिन ऐसा कोई कुलाधरण का नाम नहीं है। कलंदर म्यूजिक से रिलेटेड है, तो कुल्हा और दारन तो मतलब म्यूजिक में इस तरीके का कोई, और पर्शियन कैलीग्राफिस, तो सर कैलीग्राफिस पेंटिंग बनाते हैं ये, कुलाधरण की तो कोई ऐसा नाम नहीं है। सही तो है, लास्ट में वाला क्या सर बस है? सही है, पता नहीं सर इनका कुछ होगा तो मैंने कहीं सुना था है इनके साथ। कुछ सही है नहीं, हाथ लगाना भाई, 2-4 छोड़ भी सकते हो, हाँ कोई बड़ी सर। बात नहीं। चलो फिर नेक्स्ट। उसके बाद सर अब यहाँ पर सर पहली स्टेटमेंट ही बोल रही है कि डच ने इस्टेब्लिश की पहली फैक्ट्री इस पोर्शन पे गजपति, तो सर गजपति किंगडम उड़ीसा में है, और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की वो करी मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, तो वो आंध्रा में है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा। दूसरा सर ये अल्फंजो डी अल्बुकर्की जो आए थे पोर्तुगीज, तो इन्होंने किया था बीजापुर सल्तनत से गोवा। और तीसरे में सर कह रहा है कि मतलब सर मुझे तीसरे का शक था कि मतलब विजयनगर कहाँ पर और मद्रास कहाँ पर है, लेकिन ये फिर बोल रहा है कि इंडी, फिर ये बोल रहा है सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री स्टेब्लिश की, लेकिन लैंड लिए रिप्रेजेंटेटिव से, तो सर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है विजयनगर एम्पायर का। अच्छा बिल्कुल हो सकता है जी।
सर विजयनगर एम्पायर 1536 1565 में से जो हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा, तो उसके बाद फिर टूट गया था ना बहुत ज्यादा, मतलब तो उसके बाद इंग्लिश ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया 1600 ईसा में। करेक्ट तो मुझे सर करेक्ट लगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर क्यों, मतलब एक तरह से। रिप्रेजेंटेटिव है भाई उसका, टूट गया और नाय का सिस्टम आ गया। वो आपका वायकोंडापुरम का वो था, शेर खान लोदी करके एक था, उसने दे दिया। तो मतलब इट इज नॉट समथिंग टू रिप्रेजेंटेटिव, डजंट मीन दैट द एम्पायर इज ऑलरेडी देयर एंड देन द रिप्रेजेंटेटिव इज देयर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर मीन्स एम्पायर हैज बीन कोलैप्स्ड, वी नो दैट, बट द एम्पायर रेमिनेंस इज रिमेन्स, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। आई गॉट ए पॉइंट, बट देन इट्स ओके, अब एग्जाम का लैंग्वेज है, क्या कर सकते हैं। ये सही है सर, कौतल्या अर्थशास्त्र में तीनों सही है, जो कौतल्या का था माइंडसेट था उसके हिसाब से सही है। चलिए नेक्स्ट। फिर 61 में सर, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व को लीड टू कैपिटल फ्लाइट, पहला ट्रू है सर। टाइट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं, हो गया कैपिटल के साथ, पहला सही है। सेकंड में लिखा हुआ है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसको रखते हैं। थर्ड में बोल रहे हैं कि डिवैल्यूएशन करेंसी रिस्क डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है अगर बाहर से पैसा ले रहे तो एक्सटर्नल को, तो थर्ड वाला गलत है। तो नेक्स्ट आंसर 1 2। 62 में सर आंसर है ओनली 3 पेयर, हिमाचल नहीं होगा, क्योंकि सर हिमाचल इज मतलब ऐसा स्टेट है जहां पर जो टेरेन है सर वो बहुत रफ है, तो टी कभी भी रफ में नहीं होती है, हमेशा उसको मतलब रेन चाहिए होती है और ग्रीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लेकिन हिमाचल की बहुत सारी एरिया ऐसे हैं जो सूखे पहाड़ है, मतलब जहां पर, तो 3 नहीं होगा अरे थ्री क्या नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, सर, हिमाचल नहीं होगा, आंध्रा केरला एंड त्रिपुरा, दीज आर द ओनली 3 स्टेट। नहीं आई थिंक हिमाचल भी होना चाहिए, कांगड़ा टी तो बड़ी फेमस है यार। अच्छा जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सर हिमाचल से ये लेके छोड़ है लेते ही सर। दूर, क्या कह रही है मानसी, आवाज नहीं आ रही? हिमाचल प्रदेश है, ये हमने डिस्कस किया था सर, अब आ रही है मैं आ रही आ रही, तो तुम क्या कहती हो भाई, आंसर क्या है इसका? ओनली 3 सर, ओनली तो 3 आंसर, तो केरला नहीं होगा ना हाँ सर केरला, कैसे नहीं हो सकता सर, हाँ केरला टी गार्डन्स तो होते हैं। हाँ मुन्नार उन्नार में है ऊपर। जी हिमाचल भी होगा सर, हिमाचल के हमने यार कांगड़ा ये टी। देखो ना सर, ईस्ट और वेस्ट घाट का कंसेप्ट देखते हैं, आंध्रा में केरला में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, तो मतलब घाट ऐसा एरिया होता है, मतलब ये जो है जहाँ पर टी उगती है। त्रिपुरा सर, त्रिपुरा की जो क्लाइमेट है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के लिए बेस्ट है, तो हिमाचल में नहीं है सर, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब सूखी पहाड़ियों वाला एरिया है सेट टफ है हिमाचल सर ये इन क्वेश्चन, कंपेरिजन। ये अगर नहीं पता है छोड़। पर मेरे ख्याल से कांगड़ा की टी बड़ी फेमस है भाई, हाँ जी सर करेक्ट है, हिमाचल तो है सर। सर ऐसे तो अगर उगाना किया चाहें तो जाएगा। सर मतलब उत्तराखंड में भी तो उग सकती है, ऐसा तो आसाम में बात तो ठीक है, आई एग्री। चलो नेक्स्ट भी उसके आसाम ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 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 में लिखा हुआ सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या रेगुलेटरी बाय आरबीआई, गलत है, सेम ही है उसी से आंसर। पैरा लॉग काटने से आंसर निकल गया सेकंड थर्ड। फिर बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, द गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ये गलत है, उसी से आंसर निकल गया 2 एंड 3। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये दोनों ये वाला से मेरा गलत है, सर ये बोलना मैंने पहले से 1 सही है ओनली कि मार्क किया था। कन्वर्टिबल, सर कन्वर्टिबल बॉन्ड में ऑप्शन होता है बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का, हाँ ट्रू तो सर, ये इसीलिए पहला जो सही है। कन्वर्टिबल बॉन्ड है उसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अगर ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं तो कम ब्याज दर मिलेंगे, सही बात है। दूसरे में बोल रहा है कि द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, तो सर कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही है, तभी हम मतलब अगर घाटा होता है तो बॉन्ड या इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस का इम्पैक्ट आ रहा है उससे, तो डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस के इंडेक्स को मद्देनजर हम बॉन्ड को इक्विटी में या इक्विटी को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है। सर नहीं सर ये जो सर लॉजिक बोल रहा है ना सेकेंड दूसरे वाला में का ना, मुझे लगा सर यहाँ लिखा हुआ है गलत है। कि हाँ कन्वर्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होना चाहिए ना, अगर राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाला
अगर इसमें लिखा हुआ सेकंड इसमें वाला था। ये बोलने की कोशिश करें जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होती है उससे जो बेनिफिट मिलता है अगर आप अपनी बॉन्ड को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो जो आपका इन्फ्लेशन होने से लॉस होता है ना वो होने से बच जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है टू अर्न प्रॉफिट्स। तो ये वो बोल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, तो ये मीनिंग था इसका, तो ये करेक्ट। डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस मींस जो इन्फ्लेशन से बढ़ेगा वो आप अपने बॉन्ड में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने की, उससे आप अपने लॉस को थोड़ा कम कर दोगे। दैट्स व्हाट यू कैन डू इफ आई एम। तो ये है बात, डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन कहाँ पर रोकना है उसको, कहाँ लगाओगे, क्या चेंज करोगे, उससे आपका पैसा बनेगा, वहां पे ज्यादा हाँ ऑप्शन। नेक्स्ट, उसका ठीक है इंडिया का आइडिया, मेंबर किस देश का पार्ट है, तीनों का है सर, पहले तीनों का, दूसरे का भी है, तीसरे का भी है। फिर इसमें लिखा हुआ है 67 में, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट कंट्री है सर, मल्टी पार्टी कहाँ से, सेकंड का लेंथ सिंगल सर। पार्टी। अब बाकी फिर इसमें लिखा हुआ कि पहला सही है क्योंकि लिखा वन दूसरा ऑफ द सही है, फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट है वन ऑफ द तीसरा, फास्टेस्ट, तो 1, 3, 4। चौथा भी सही है। अच्छा, हाँ क्या है इसका? आंसर 1, 3, 4 सी। हाँ चलो, टू नहीं है। हाँ पांच प्राइस स्टेबिलिटी कौन तो करता है, मतलब कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई। तुम नोट आरबीआई कर करता रहे है। हो, पेपर थकाने के लिए पांच पांच स्टेटमेंट भी दे रहा है, स्लो कर रहा है, इट इज मेकिंग इट बोरिंग। तो ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस बार भी ऐसे ही आएगा, पेपर बड़ा आएगा, इट इज नॉट इजी, ये बोर करेगा, ये थकाएगा, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू आर एक्यूरेट। हाँ इसमें से नेक्स्ट में बोले नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में, तो पहला बोले दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, ठीक बात है, करेक्ट है। दूसरा बोले दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ये भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहे दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी, तो ये गलत है सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर, थर्ड वाला है ना, इसमें लिखा हुआ है कि एनएफटी कैन बी मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। एनएफटी होता है मार्क करने के लिए, मेरा प्रॉपर्टी है ऑनलाइन, एक तरह से हाँ जो भी बनाते हैं उसको हाँ कमर्शियल ट्रांजेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, वो तो क्रिप्टो करेंसी है दोनों चीजें बेसिकली। पॉसिबल नहीं है जो ये हाँ सेंटेंस बोल तो रहे हैं, 3 नहीं है, इक्विवेलेंसी पे भी नहीं कर सकते और मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल वन नहीं एंड टू। ये आप बताएंगे, प्रवेश बताएंगे है। अरे कैसे नहीं यार, हेलमेट किया आर्गुमेंट इसको। नहीं कर सकता, छोड़ दिया मैंने। क्या भाई 70 नंबर जल्दी बोल। इसका ओनली अब सर थ्री है मेरे को, आंसर। अगर मैं देखो, अगर मैं आपके सामने एलिमिनेट करता हूँ सर, देखो गांधी सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इतना मुझे पता है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है। और सर घट प्रभा, घट प्रभा अगर मैं सर लगाऊं तो तेलंगाना लगा दूंगा, तो मैं इसमें जाऊंगा सर वन एंड टू ओनली, लेकिन ये बोल रहा है करेक्ट नहीं होने चाहिए, तो सर ओनली टू पेयर में जाऊंगा, तो आंसर अगर किसी को पता हो तो बता दे। ओनली थ्री है इसका आंसर, सी नॉट करेक्ट। ओनली थ्री। तो सर इस क्वेश्चन में इसीलिए नहीं लगाया मैंने। देखो मैथन तो जो है झारखंड में है, ये आई थिंक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के पास होना चाहिए। इंदिरा सागर राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश, दोनों में से एक होगा, दो तो यही हो गए। घाट प्रभा कर्नाटका इंदिरा सागर है, मध्य कर्नाटका प्रदेश,